खरगोन जिले के खंडवा बड़ौदा स्टेट हाईवे पर फिर तेज रफ्तार जानलेवा साबित हुई है। यहां एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार भाई बहन और एक रिश्तेदार की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर खंडवा रोड पर गोवाटी फाटे पर हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव जिला अस्पताल पहुंचाए, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा इतना भयावह था कि बाइक के सारे पार्ट्स बिखर गए। SDOP रोहित लखारे ने बताया, हादसा सोमवार मंगलवार की रात को हुआ। तड़के 5 बजे सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे थे। दुर्घटना में सुनील पिता सूरत चौहान, उसकी बहन कस्तूरी और रिश्तेदार दिलीप की मौत हुई है। सुनील अपनी बहन कस्तूरी के ससुराल हेला पड़ावा गया था। वहीं से बाइक पर बहन और रिश्तेदार दिलीप के साथ खामखेड़ा अपने पिता के घर जा रहे थे। इसी दौरान हादसे के शिकार हो गए। शुरुआती जाँच में किसी वाहन से टक्कर का अनुमान है। फिलहाल जाँच जारी है। ये सुबह 100 डायल में किसी व्यक्ति ने फोन लगा के सूचना दी थी कि बुआड़ी के पास में जो है एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 3 लोग मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। तो 100 डायल पहुंची थी घटनास्थल पर। उसके बाद में फिर थाना प्रभारी और हम लोग ने जाके घटनास्थल पर मुआयना किया। एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 2-व्हीलर वाहन से एक मृतक सुनील पिता सूरज चौहान अपनी बहन कलाबाई को लेने हेला पड़ावा गए थे और वहाँ से लौटकर खामखेड़ा जा रहे थे। रास्ते में इनका जो है किसी अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें इनकी तीनों की मृत्यु हो गई है। अभी अज्ञात वाहन का पता नहीं चला है। हम CCTV फुटेज वगैरह की हम पड़ताल कर रहे हैं, जल्दी इसमें खुलासा किया जाएगा। क्या लगता है सर, कार एक्सीडेंट हो सकता है? अभी प्राथमिक रूप से कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन संभावना ऐसी लग रही है कि कोई 4-व्हीलर वाहन ने टक्कर मारी है। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट, खरगोन। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।